हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ जो कि कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 14 अक्टूबर के लिए। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इंट्राडे के लिए, वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। चलिए, आज के निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 3 पॉइंट ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग हुई, जैसे कि देख सकते 11,934 पे निफ्टी ने क्लोजिंग की। अगर जैसे कि देखते एडवांस निकल रहे 22:2 एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है और कहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चले लाइव मार्केट में, यहाँ पे चला जाता हूँ इक्विटी डेरिवेटिव्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे अपन ऑप्शन चेन एनालिसिस लगे, जो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस 15 अक्टूबर का निफ्टी का। और जैसे कि निफ्टी जो क्लोजिंग दी 11,900 के अबव, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 11,950 का लेवल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अपन को स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी मूव अपन को 12,000 की लेवल के ऊपर ही देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हावी देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर पुट राइटर देखें तो सबसे ज्यादा 11,900 की लेवल पे, जैसे 11,900 का लेवल निकालेगा तो डायरेक्टली 11,800 के लेवल तक नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो कल देखिए, कल जब भी 11,900 के नीचे सस्टेन कर देता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज ऊपर की तरफ 12,000 का रेजिस्टेंस है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा लेकिन वहां पे मतलब क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्रॉस किया तो अच्छा खासा मुंह ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए, कल देखना पड़ेगा 12,000 का लेवल क्रॉस करता है या नीचे की तरफ 11,900 का लेवल क्रॉस करता है, किस तरह से ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप अप गैप डाउन हो तो अपन प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे किस तरह से ट्रेड बन रहा है। चलिए, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आज अच्छा खासा रेंज में था निफ्टी, ऊपर की तरफ 11,988 का एक हाई लगाया और इसी हाई से एक नीचे की तरफ सपोर्ट लिया जो कि 11,900 या 11,894 का, यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे क्लोज है। अगर कल ये जो 11,880 का लेवल है इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ सकता है जो कि 11,800 की लेवल तक लेके जा सकता है। अदरवाइज अगर कल नीचे की तरफ आता है 11,900 का लेवल होल्ड कर पाता है तो अच्छा खासा बाउंस बैक भी यहाँ से दे सकता है, लेकिन उसको अगर स्ट्रांग होना है ऊपर की तरफ तो उसको 11,975 के अबव 5 मिनट या 15 मिनट उसको रुकना पड़ेगा तो एक अच्छा खासा अब मुंह ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब भी वो 900 के नीचे जाएगा तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये जो मैंने लेवल्स बताए ये लेवल्स देखिए अपने चार्ट पे, कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड करता है, कहाँ पे जाता है, उसी तरह से अपन निफ्टी में ट्रेड लेने वाले। तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वीक क्लोजिंग दी है 23,992। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब भी 23,500 के नीचे अपन को एक अच्छा खासा क्लोजिंग देखने को, एक अच्छा खासा शॉर्ट सेल ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपन के जो बाइंग है अपन के बाइंग 23,800 के अबव ही अपन एक अच्छा खासा बाय साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा वीक क्लोजिंग दी है तो बैंक निफ्टी में देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ कौन से लेवल है या कौन से सपोर्ट्स देखने को मिल रहे। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लगाया जो कि परसों को दिन थर्सडे के दिन होने वाली वीकली एक्सपायरी का 15 अक्टूबर का है और जैसे कि देख सकते हो 23,400 के अबव बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखे तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर 23,500 के लेवल पे और उसके बाद में देखे तो 23,800 के लेवल पे। जब भी 23,800 का लेवल निकालेगा तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ वो देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिले वो 23,400। जैसे ही कल 23,400 के नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है जो कि अपन को टारगेट लेके आ सकता है 23,300 और 23,250 के लेवल। अगर इसके नीचे जाता है तो डायरेक्टली अपन को 23,000 के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर की तरफ 23,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, कल 23,400 के नीचे जाता है तो अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड बनेगा और अच्छा खासा अपन वहाँ पे शॉर्ट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया 5 मिनट का और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कैरी हो रहा है। जैसे कि देख सकते 12 अक्टूबर यहाँ पे आज का ट्रेडिंग सेशन यहाँ से यहाँ पे गिरा, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करो, यहाँ पे एम टाइप का पैटर्न बनाया, उसको ब्रेक डाउन किया और नीचे की तरफ आया। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अपन का 400 का लेवल रहेगा जो कि ये लेवल है। जब ये 400 के लेवल के नीचे चार्ज चालू करता है
तो फर्स्ट टारगेट में आपको बताता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्यों बता रहा कि यहाँ से एक डाउनफॉल आया है, देख सकते हैं यहाँ से एक डाउनफॉल है जो कि 23,000 के लेवल पे, कल यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करता है यहाँ से फिर से डाउनफॉल आ सकता है जो कि 23,250 का लेवल है, 300 का लेवल लेक्स रहे, अगर इसके नीचे आया तो नेक्स्ट टारगेट 23,000 का रहेगा। तो कल ही देखिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड के लिए अपन रेडी सकते हैं। अगर इसको बाइंग मोमेंटम के लिए कहते हैं तो यहाँ पे कोई बाइंग मोमेंटम करे, क्योंकि देखना जब भी 20,800 की लेवल निकालेगा तो एक अच्छे खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस चैनल को जब ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जो नीचे की लेवल है 20,400 जब भी ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैंने आपको लेवल बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जैसे कि देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया, जाके उस लिंक पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव मार्केट में जो चार्ट एनालिसिस रहता है मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। चलिए थैंक।